जो राजस्थान सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। आज बेरोजगारी देखी जाए, कौन सी भर्ती में आपने जैसे रीट हो कैसा भी हो, उसमें जो पेपरली होने जो कांड हुए हैं उससे ही लगता है सरकार ने जो बेरोजगार लोगों के साथ अत्याचार किया। राजस्थान में सरकार बनी, हमारे बांसवाड़ा में दो दो मंत्री होने के कारण माहियों का बहुत सारा काम चल रहा है। बड़े बड़े पुल बन रहे, रोड बन रहे, लाइट बिजली वगैरह सब कुछ काम अच्छे चल रहे हैं। हमारे घाटोल में वर्तमान प्रधान भी कांग्रेस की है। जहाँ बीजेपी की सरकार 1130 रुपए में सिलेंडर दे रही थी, वहीं आज कांग्रेस सरकार गहलोत जी हमारे 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। अभी वर्तमान में जो हिंदुस्तान की कहीं बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ का अगर तुलना कर दो, वहाँ की भर्तियों की तुलना कर दो तो जीरो है। राजस्थान में कहीं भर्तियां खुली अशोक गहलोत के नेतृत्व में, और विपक्ष जो बीजेपी के नेताओं द्वारा बार बार रीड में एग्जाम में धांधलियां करा के वो भर्तियों को निरस्त कराने का काम ये विपक्ष बीजेपी सरकार कर रही है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ राजेश सोनी और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। इस वक्त मैं घाटोल विधानसभा सीट पर खड़ा हूँ। ये वो सीट है जहाँ पिछले 10 साल से भाजपा का वर्चस्व कायम है। किसकी सरकार होगी, किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, उसको लेकर के राजस्थान तक की टीम ग्राउंड जीरो पर है। हमारे साथ में कुछ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम उनसे पड़ताल करते हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर क्या उनके विचार हैं और क्या माहौल लग रहा है, तो हम आपको रूबरू कराते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ में। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? शहीद खान। क्या लग रहा है आपकी बार जो विधानसभा चुनाव है, क्या आपके यहाँ विकास हुए और किस मुद्दे पे आपके यहाँ पर आगे का काम होगा, क्या रहेगा? हमारे यहाँ सरकार कांग्रेस की है और हमारे यहाँ MLA बीजेपी का है, तो विकास की अपेक्षा में ही खड़े हैं पूरा घाटोल। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं गहलोत सरकार घाटोल, जैसे घाटोल को नगर पालिका बना दी है, गनोड़ा को पंचायत समिति बना दी है, उस तरीके से हमारे कहीं ना कहीं काम चल रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस जो होती है वो जनता के बीच मुद्दों को ही लेके जाती है और जनता के काम पूरे उसके अनुरूप करती है। तो इन्होंने कांग्रेस के मुद्दे और जनता की जो बात है वो बताने की बात कही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रेमपाल खराड़ी। क्या लग रहा है आपकी बार माहौल विधानसभा चुनाव को लेकर? देखो, घाटोल विधानसभा क्षेत्र में ना हर टाइम दो बार हमारे सत्ता में 10 साल से बीजेपी का कायम यहाँ रही है, पर इस साल जो दोनों पार्टियों के बीच में मनमुटाव दिख रहा, गुटबाजी चल रही है, ये निनामा से लोगों का डिमांड है एक नए चेहरे दोनों पार्टियों को मिले। जी, तो इन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से 10 साल से भाजपा का यहाँ वर्चस्व है तो 10 साल से कांग्रेस का। खास बात यह है कि दोनों ही जो विधायक रहे हैं 10-10 साल, वह भी निनामा है, उप जाति है, उप निनामा जनजाति क्षेत्र है यहाँ पर। तो पहले कांग्रेस के नानालाल निनामा रहे हैं, उसके बाद में नवलित लाल निनामा रहे, तो वहीं अभी वर्तमान में भाजपा के जो विधायक है हरेंद्र निनामा। तो उप जाति एक होने से लोगों में भी काफ़ी नाराजगी दिखाई दे रही है, तो ये अब की बार नया चेहरे की डिमांड की जा रही है। ये युवा है हमारे साथ में, कुछ और भी हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? पीयूष कोठारी। क्या लग रहा है आपकी बार ये विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? मेरा तो ये कहना है जो राजस्थान सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। आज बेरोजगारी देखी जाए, कौन सी भर्ती में आपने जैसे रीट हो कैसा भी हो, उसमें जो पेपरली होने जो कांड हुए हैं उससे ही लगता है सरकार ने जो बेरोजगार लोगों के साथ अत्याचार किया जो किया है। युवा लोग इस बार रिपीट गहलोत सरकार को नहीं करेंगे और भाजपा के पक्ष में ज़्यादा से मत करके भाजपा की सरकार बनाएंगे। आपको ऐसा किस लिए लग रहा है, क्या कारण है, क्या वजह है जो आपकी बार जो है भाजपा की सीट लग रही है? आप खुद देखिए, बेरोजगारी देखिए, अत्याचार देखिए, आज बलात्कार के मुद्दे देखिए, आज राजस्थान सरकार ने जो वादे किए थे रोजगार के बारे में, आज उसको रोजगार न देके बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है। आज देखिए महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे, उसके अंदर राजस्थान आज 5वें नंबर पे है। तो ये जो है मुद्दे हैं, उस मुद्दे को लेकर हम बीजेपी जो भाजपा है, भारतीय सरकार, भारतीय जनता पार्टी है, और जो नरेंद्र भाई मोदी का एक विजन है कि हम सबका साथ सबका विकास, उसके लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में आएगी। तो इनका मानना है कि राजस्थान में जो भ्रष्टाचार और अराजकता और महिला अत्याचार को लेकर और पेपर लीक, खास इनका यह मुद्दा है, युवाओं के साथ में जो कुठाराघात होना बताया जा रहा भविष्य के साथ में, वह नाराजगी दिख रही है इन लोगों के बीच में। कुछ और भी युवा हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? लोकेंद्र सिंह चंद्रवाल। जी, क्या लग रहा है, ये क्या माहौल है आपके यहाँ पर? 5-10 साल से जो भाजपा का रहा और 10 साल कांग्रेस का रहा है, तो अब की बार आपके यहाँ क्षेत्र में विकास को लेकर आप मतदान करेंगे या कुछ और मांग है, या लंबे समय से आपके यहाँ कोई क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, क्या माहौल लग रहा है? विकास के क्षेत्र में निश्चित रूप से जनता का विश्वास रहता है कि जिस जनप्रतिनिधि को हम यहाँ से चुन के भेजते हैं वो विकास की बात करें, और इस घाटोल क्षेत्र में विकास में कोई कमी हमारे MLA ने उन्होंने कोई छोड़ी नहीं है। जैसे कि मिसिंग रोड्स हैं, सारी सड़कें, संपर्क सड़कें हैं, उन सारों का निर्माण हुआ,
और एक हमारे क्षेत्र की गाढ़ोल गंदोड़ा गाढ़ोल के बीच में पड़ने वाला जो देलवाड़ा का जो नदी का पुल था वो हमारे पिछले कई सालों से नहीं था, जिसको हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत उसको लिया और सांसद ने मत की नीति से उसका पुल बना, जो एक क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास है, जिसके सारे गांव इस बारिश के मौसम में जो वहां से कट जाते थे। तो ऐसा एक बड़ा विकास यहां पर हुआ है और निश्चित रूप से जो है वो यहां का स्थानीय विधायक काम कर रहा है। रही बात कांग्रेस की, तो उन्होंने इस चार सालों के अंदर जो पूरा समय अवधि मिली उसमें कहीं कोई विकास की बात नहीं की, अपनी सरकार को बचाने का प्रयास किया और इनकी लाल डायरिया जो विधानसभा में चल रही है वो आप सब बाजी में, इससे उस लाल डायरी में जो हिसाब निकलेगा उस दिन सारे जनता के सामने आ जाएगा। अगर उनको जिलों की घोषणा करनी थी, पंचायत समिति की घोषणा करनी थी, तो निश्चित रूप से वो पहले साल में कर सकते थे शपथ ग्रहण के तुरंत बाद में, लेकिन वो पाँचवा साल चार साल पूरे होने के बाद में जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो इन्होंने घोषणाएं की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं सकता निचले क्षेत्र पर, उनकी घोषणाएं करके जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है उसको निश्चित रूप से जनता चुनाव में जवाब देगी। एक तरफ अशोक गहलोत स्वयं अपनी जो है मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारी सरकार रिपीट होने जा रही है, जिसमें एक मुख्य आधार बताया जा रहा है कि महंगाई राहत शिविर वरदान साबित हो रहा है, तो ऐसे में क्या ये जनजाति क्षेत्र है तो क्या महंगाई राहत शिविर कोई ना कोई फायदा कांग्रेसियों के लिए होगा? महंगाई राहत शिविर कैंप नाम मात्र खाली कांग्रेस का प्रचार करने का एक कारण था, उसमें किसी प्रकार से जनता को कोई सहयोग या उसमें कोई महंगाई का राहत का कार्य उसमें कहीं किया नहीं गया। आप करते तो उधर पेट्रोल डीजल के भाव को कहीं बढ़ा देते तो हो सकता है उधर एमपी में और उधर गुजरात की जो रेट है पेट्रोल की, जैसे 2 रुपया 5 रुपया कम है, वैसे आप कर देते महंगाई राहत का जो आपने टैक्स लगा रखा है। ऐसा तो कोई हुआ नहीं, आपने खाली अपने पोस्टर और अपने कागज़ों को बना करके और बड़े बड़े पोस्टरों को छाप करके जो है वो विज्ञापन किया है, और निश्चित रूप से ये विज्ञापन किया उसको सरकार सब लोग पब्लिक जनता सब जान रही है, तो किसको फ़ायदा हुआ इस चीज़ से, इसलिए ये इस तरह से बहकाव में जनता आने वाली नहीं है और निश्चित रूप से इनका जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राजस्थान के अंदर बनेगी। तो ये थे लोकेंद्र सिंह जी जो बता रहे हैं डंके की चोट पे कि अब की बार भाजपा सरकार फिर से बनेगी यहाँ पर और उनके ही विधायक यहाँ काबिज होंगे। इन्होंने महंगाई राहत शिविर को भी फेल बता दिया, जनता के लिए सिर्फ खाली घोषणा और वादे थे ऐसे बता रहे हैं। कुछ और भी हैं हमारे साथ जी, सर क्या नाम है आपका? भरत प्रजापति। क्या लग रहा है अब की बार यहाँ माहौल क्या है? ये भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ महंगाई राहत शिविर फेल है, गहलोत की सभी योजनाएं विफल बताई जा रही हैं युवाओं के साथ में, तो आपका क्या मानना है यहाँ पर भाजपा की सरकार बनेगी या कांग्रेस की या तीसरा मोर्चा, क्या लग रहा है? जी जैसा कि भाई साहब ने बताया, बिल्कुल सही बताया, राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है बिल्कुल विफल हुई है, उनके जो महंगाई राहत कैंप है वो बिल्कुल मतलब एक प्रकार का लोगों को प्रलोभन और उनका एक एडवर्टाइजमेंट करना था जो मतलब उन्होंने किया, बड़े बड़े पोस्टर लगा के लोगों को सिर्फ बहकावा और बेवकूफ़ बनाने के अलावा और उन्होंने कोई काम नहीं किया। और इस बार भी विकास के मामले में भी हमारे राजस्थान में बीजेपी सरकार और घाटोल से भी बीजेपी ही चुन के आएगी। तो इन्होंने भी यही, ये अभिभाषक हैं पक्ष से और उन्होंने भी यही कहा कि हम जो है वो भाजपा को चाहते हैं और भाजपा की ही बात की इन्होंने भी। कुछ और हैं जी, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास निनामा है। क्या करते हैं आप, क्या काम करते हैं? मैं अभी वर्तमान में तो पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, और आप एक स्टूडेंट है, कौन सी कक्षा में है? मैं तो ग्रेजुएशन कर रखी है। अच्छा, ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर जो ये सरकार के पेपर लीक घोटाले मामले हैं, एक आप एजुकेशन कर रहे हैं और विद्यार्थी बता रहे हैं स्टूडेंट, तो ऐसे में क्या लग रहा है? देखो, राजस्थान में सब काम अच्छे हुए हैं, सरकार अच्छे काम कर रही, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से सब लोग खुश भी है। और हमारे रही बात घाटोल विधानसभा में देखो तो कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी चाह रहे हैं कि राजस्थान में सरकार रिपीट होए और वास्तविकता में लोग इनको सपोर्ट करेगी और राजस्थान में सरकार वापस रिपीट होगी। और घाटोल में हमारे आप बात करो तो लास्ट टाइम में जो विधानसभा चुनाव 2018 में हुए थे, जो भी कांग्रेस बीजेपी में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहा था, 2500 वोट का डिफरेंट रहा था, इसमें नाहनलाल 2500 वोट से उपविजेता रहे थे। लेकिन आज की स्थिति में राजस्थान में सरकार बनी, हमारे बांसवाड़ा में 2-2 मंत्री होने के कारण माहियों का बहुत सारा काम चल रहा है, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, लाइट बिजली वगैरह सब कुछ काम अच्छे चल रहे हैं। हमारी घाटोल में वर्तमान प्रधान भी कांग्रेस की है और हमारे बड़े काम तो देखो ठीक है। ये तो पद पर आपके कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ क्षेत्र की बात करें अपन घाटोल विधानसभा क्षेत्र की, तो 10 साल से कांग्रेस का राज है, तो ऐसे में बीजेपी का राज है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या विकास हुआ, क्या विकास कार्य में कमी रही, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बीजेपी का विकास कार्य देखो, हमारे घाटोल में जब देश आजा हुआ तब से बहुत बड़ी पंचायत समिति और बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी दोनों वालों ने गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं खोल रखी है और सख्त जरूरत गवर्नमेंट कॉलेज खोलने की है। आज रही बात देखो बीजेपी की बात करें, बीजेपी में गत जो मतलब
चुनाव हुए थे 2014 में, उस टाइम से जो इनकी सरकार बनी थी, हमारे घाटोल से भी एमएलए कांग्रेस मतलब बीजेपी से थे, इनके एडी से लगा के छोटी तक की सरकार थी, तब जाकर भी ये कुछ भी काम नहीं कर पाए। और अभी भी स्थिति वास्तविकता में आप ये देखो तो घाटोल में अब की बार कांग्रेस का एमएलए बनेगा और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, ओनली फॉर हिंदुत्व के नाम पे इन्होंने चुनाव लड़ा है, हिंदुत्व की वजह से ये वोट करे। आज मणिपुर वगैरह में देख लो कैसे हादसे हो रहे हैं, राजस्थान में भी ऐसे कई जगह पे हादसे हुए, इनका कहीं ना कहीं इन लोगों का हाथ रहा। और आज भी कांग्रेस सरकार हमेशा गरीबों का मसीहा मानकर काम करती है, और हमारा जनजाति इलाका है, यहाँ पे एसटी बेल्ट है, और हमारा एसटी बेल्ट है वो अपने आप में एक समुदाय है, और जो कि न कोई हिंदुत्व के साथ में जुड़ती है, बाकी बीजेपी है, वो सब लोगों को अगवा करके हिंदू हिंदू करके अपना काम निकाल करके सरकार बना के बैठती है। तो इन्होंने ये जो एक बड़ी बात बताई कि हिंदुत्व की कार्ड पर जो है बीजेपी जीतती आ रही, ये इनका कहना है। बाकी विकास कार्य को लेकर के भी इन्होंने कहा कि कोई जो कॉलेज का काम था वो दोनों पार्टी के नेता नहीं कर पाए, बड़ी बात थी। एक दूसरे हैं हमारे साथ में, जी सर आप बताएं क्या कहना कहना चाहेंगे। मैं एडवोकेट भूपेंद्र सिंह चंद्रावत। सरकार की योजनाएं जन जन तक विदित है और जनता बताएगी कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं। आम गरीब जन तक हमारी सरकार जो वर्तमान जो सरकार है उसकी योजनाएं आम गरीब तक पहुंची है, और आम जन ये चाह रहा है कि वापस सरकार रिपीट होगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। जन कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारी हमारी सरकार ने दी है, हम गरीब आदमी को फायदा हुआ इस सरकार से, इसलिए गरीब आदमी ये चाहेगा कि वर्तमान में सरकार कांग्रेस की वापस रिपीट होगी सरकार। इन्होंने भी कांग्रेस का समर्थन किया और कांग्रेस सरकार ने इनके लिए काफ़ी कुछ किया, क्षेत्र में विकास भी किए, कुछ काम भी किए, अच्छा किया, ऐसा इनका मानना है। कुछ और भी युवा हैं। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र पारगी है। क्या काम करते हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ और साथ में सैलून का काम भी करता हूँ। आप स्टूडेंट हैं और अपना जॉब भी चला रहे हैं, तो जैसे में आप यहीं के लोकल हैं क्षेत्र के, तो यहाँ पर आपको क्या अच्छा लगा, भाजपा की सरकार अच्छी लगी या कांग्रेस की? कांग्रेस की सरकार अच्छी लगी। आखिर क्यों ऐसा, क्या विकास कार्य हुए, किस तरह से आपका मानना है कि कांग्रेस की सरकार अच्छी लगी? इन्होंने जनता के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है अभी राहत शिविर के माध्यम से, उसमें जहां बीजेपी की सरकार 1130 रुपए में सिलेंडर दे रही थी, वहीं आज कांग्रेस सरकार गहलोत जी हमारे 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, और हर वृद्धा व्यक्ति को 1000 रुपए की पेंशन दे रहे हैं। पहले उनको 500 रुपये दिए जा रहे थे, इस बार उनको 1000 रुपये में जून से लागू हो गया। प्रत्येक लाभार्थी खुश है, और ओल्ड पेंशन है, ऐसे विभिन्न योजनाएं हैं जो नरेगा केंद्र की 100 दिन देती है, मगर क्या गहलोत सरकार द्वारा हमें 25 दिन और अतिरिक्त दिए गए जो 125 दिन दिए जा रहे हैं, और ऐसी विभिन्न योजनाएँ हैं जहाँ आम जन को बहुत फायदा हुआ, और जनता इस बार पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयारी है। और जहाँ भी देखो आप गहलोत सरकार की वाहवाही चल रही, विदेशों में देख लो आप, कहीं पे भी देख लो आज गहलोत जी वाहवाही है। नहीं, गहलोत जी की वाहवाही है, अच्छी बात है। आपने भी क्षेत्र में विकास की बात कही कि उनकी योजनाओं को लेकर काफ़ी लोग भी खुश हैं और वही सरकार होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ और भी है, तीसरा मोर्चे की बात करें, बांसवाड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो लंबे समय से पार्टियाँ यहाँ वर्चस्व थी, उससे पहले जो है वो जनता दल का यहाँ वर्चस्व था, इसके बाद में तीसरा मोर्चा यहाँ शुरू हुआ है जो बीटीपी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी इसका एक नया नाम और दिया है, भारतीय आदिवासी पार्टी। तो उसके यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी कहना चाहेंगे क्या लग रहा है आपकी बात। ठीक है साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम सरपोटा है, और मैं बीएड कर चुका हूँ, और मैं अभी बेरोजगार के रूप में हूँ और एग्ज़ाम देते आ रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये सरकार वर्तमान में जो है, जो कांग्रेस की, इन्होंने कई सारे पेपर आउट किए हैं, जिसका पेपर मेरा भी एक ऐसे आउट हुआ था। तो अभी मेरा 30 तारीख का पेपर है जो मुझे सेंट्रल उदयपुर मिला है, और जो हमारे यहाँ पे जो बेरोजगार युवा हैं उनके साथ में बहुत गलत काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेंटर जो है, हमारा स्थानीय क्षेत्र मिलना चाहिए, लेकिन ये सरकार क्या करती है, यहाँ से हमें जयपुर और वहाँ तक एग्ज़ाम सेंटर देती, और हमारे यहाँ पे क्या कि ट्राइबल एरिया है, इसमें हमारे पास पैसा नहीं होता है, तो फिर हम क्या कि एग्ज़ाम वहाँ तक दे नहीं पाते। पिछली बार मेरा भी सेंटर मिला था चित्तौड़गढ़, मेरे पास में इतना पैसा नहीं था, तो मैं सेंटर पे जाके एग्ज़ाम नहीं दे पाया। तो ये बहुत एक बेरोजगारों के साथ अत्याचार हो रहा है, और किसानों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, जैसे खाद को लेकर कालाबाजारी किया जा रहा है, और कई सारे हमारे किसानों को पिछले बार जैसे रबी की फसल थी उसमें खाद नहीं मिला, और बहुत सारे किसानों को हमें बिना खाद से गेहूँ पके, और इसके बाद में फिर देखो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के पल्लू हैं, कि एक बार कांग्रेस और एक बार
बीजेपी, और दोनों ने यही राज करने का काम यही किया, और हमारे 75 साल से हमारे ये क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा है। इस बार अब की बार आपके विकास की जो बात की जाए तो क्या लग रहा है, भाजपा आएगी, कांग्रेस आएगी, तीसरा मोर्चा आएगा, क्या लग रहा है आपका, क्या मानना है? नहीं, इस बार हम क्योंकि इन दोनों पार्टियों को खदेड़ के हम नया जो संगठन हम खड़ा किया है और उस संगठन के साथ में हम रहेंगे और इसी को हम जिताने के लिए काम करेंगे और हमारा पूरा समाज इसी के साथ में है। ठीक है, तो इन्होंने तीसरे मोर्चे का समर्थन किया है क्योंकि दोनों पार्टियां इनको रास नहीं आ रही है। अब आगे जरा बताएं क्या है आपके चैनल को जोहार। अभी जैसे कि मेरे साथी ने बताया और कांग्रेस के साथियों ने बताया और बीजेपी के साथियों ने भी बताया और अपनी अपनी बात रखी, पर यहाँ पर ये जो उदयपुर, पहले उदयपुर संभाग था और अभी बांसवाड़ा संभाग बना, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर संवैधानिक की बात करें तो भी हमारे नेता, चाहे कांग्रेस के हो बीजेपी के हो, कहीं पर भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपने देखा होगा यूसीसी कानून, जिसका आदिवासी समुदाय पूर्ण रूप से विरोध करता है। यहाँ पर आदिवासी समुदाय में बहुत ही ज़्यादा वो एक, आपने देखा होगा अभी जैसे कॉलेज चुनावों में देखा होगा, कॉलेज चुनाव में बहुत सारे सीटें जो कॉलेज थे वहाँ पर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का नाम का जो एक बाप आदिवासी परिवार का एक वैचारिक संगठन है उसमें चुनाव जीता। और अभी जितने भी यहाँ पे युवा है, जैसे मेरे भाई ने बताया कि परीक्षा को लेके, परीक्षा कितने वो हुई, कितने विद्यार्थियों को परेशान किया। और घाटोल की बात करें, मैं आपको बताऊँ, मैं खुद ने पिछले 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, पर यहाँ पर विधायक एक मंच, जो नेता एक मंच पर बिठा के ने डिवाइड करवाया था, उसमें मुद्दा उठाया था और सबने बोला था कि घाटोल में गवर्नमेंट कॉलेज खुलेगी। यहाँ पर आज तक गवर्नमेंट कॉलेज खुली नहीं है और विशेष करके इनकी नाराजगी है कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं खुली है और काफ़ी कुछ नाराजगी भी दिख रही है। यहाँ पर हमारे साथ में बांसिया भील जो संस्थान है और राजा बांसिया जिसने बांसवाड़ा की स्थापना करी, उनके वंशज जो हैं वो भी आए हुए हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे क्या है। क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रकमनाथ सरपोटा है। क्या कहेंगे अब की बार, क्या माहौल लग रहा है राजस्थान में? जो विधानसभा चुनाव है 2023 में, कांग्रेस के गहलोत कह रहे हैं सरकार रिपीट होगी, तो यहाँ पर कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं, कोई विरोध भी कर रहे हैं, विकास कार्यों को लेकर काफ़ी नाराजगी जता रहे हैं। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार वापस रिपीट होगी। इसका कारण क्यों होगी, क्योंकि उन्होंने 37 कौमों को साथ में लेकर राजस्थान में जो कार्यशैली है, 37 कौमों को साथ में लेकर चलते हैं। और अभी वर्तमान में जो हिंदुस्तान की कहीं बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ का अगर तुलना कर दो, वहाँ की भर्तियों की तुलना कर दो तो 0 है। राजस्थान में कहीं भर्तियां खोली अशोक गहलोत के नेतृत्व में, और विपक्ष जो बीजेपी के नेताओं द्वारा बार बार वो रीड में एग्जाम में धांधलियां करा के वो भर्तियों को निरस्त कराने का काम ये विपक्ष बीजेपी सरकार कर रही है। परंतु यहाँ के राजस्थान के अंदर जो यहाँ की जनता, जो गरीबों से हमारे गहलोत साहब अधिकतर एसटी के हित में कार्य कर रहे हैं, कई योजना इन्होंने बताया कि जो गहलोत साहब हैं वह उनके हित के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग थे जिन्होंने अपने अपनी पड़ताल की, तो बताया कि हम कोई कांग्रेस को चाहता है तो कोई बीजेपी को चाहता है। यहाँ पर कुल मिलाकर जो है 10 साल भाजपा और 10 साल कांग्रेस का राज रहा, उसको बदलने के लिए कुछ लोग तैयार हैं, तो कुछ युवाओं में भी आक्रोश है। कैमरा पर्सन संजय के साथ राजेश सोनी, बांसवाड़ा।